नमस्कार साथियों स्वागत है आप लोगों का उम्मीद है कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी मेरा नाम है गौरव शर्मा और अन अकेडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है आगे बढ़ने से पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए अगर आप लोग एम की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं आप 2022, 2023, 2024 या किसी भी एग्जाम के लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं और उसकी कोचिंग की तलाश में है कि आपको उसकी कोचिंग करना है तो अनकेडमी आपके पास एक बेस्ट सॉल्यूशन है अभी हमारे पास ऑफर भी चल रहा है अगर आप अनकेडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ट्वेंटी थर्ड परसेंट ऑफ आपको मिलेगा छ जनवरी तक सिक्स ऑफ जेन तक ट्वेंटी थर्ड परसेंट ऑफ आपको मिल जाएगा यूज माय कोड गौरव लाइव जैसे ही आप इस कोड को यूज़ करते हैं आपको ट्वेंटी थ्री परसेंट ऑफ मिलेगा और इस कोड के थ्रू आ जाइए अन अकेडमी प्लस पर जहाँ पे आप पीटी और मेंस दोनों की बहुत अच्छे से प्रेपरेशन कर पाते हैं तो आइए और फिर पढ़ते हैं प्लस पे क्लासेस को ठीक है आज की कहानी शुरू करते हैं और देखते हैं आप सभी का स्वागत है और इस सेशन को आप लोग लाइक और शेयर कर दें जिससे कि हर एक बच्चा इस सेशन का यहाँ पर फायदा ले पाए ताकि जो प्रिपरेशन को लेकर एक दिक्कत होती है उस दिक्कत का सॉल्यूशन उसको मिल सके ठीक है चलिए आई होप आप लोग आ गए होंगे ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है तो क्या करने वाले हैं सर हम लोग एम पी जी के मध्य प्रदेश पर आपसे चर्चा करेंगे और इस मध्य प्रदेश की अपने आप में इम्पोर्टेंस है पहले उसी इम्पोर्टेंस पर चर्चा करते हैं और एक पूरा रोड मैप तैयार करते हैं कि, कि किस तरीके से आप इस एग्ज़ाम के साथ डील कर सकते हैं कैसे आप इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करें वही सारी चीज़ें आज आप डिस्कस करते हैं देखिए प्रीलिम्स के सिलेबस को अगर आप लोग देखते हैं पी का जो सिलेबस है इस पी के सिलेबस में टेन यूनिट्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं दस यूनिट हर एक बच्चा जानता है इस दस यूनिट का जब आप लोग बारीकी से अवलोकन करते हैं बहुत क्लोजली जब आप इस सिलेबस को देखेंगे इन यूनिट्स को देखेंगे तो यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट वन यूनिट वन इसी के साथ में फिर हम लोग यहाँ पर देखेंगे यूनिट थ्री और यूनिट फाइव और अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो जो यूनिट टेन है इस यूनिट टेन कहाँ कहाँ पर पीटी के सिलेबस में आपको एम पी के देखने को मिलेगा पहले आप इस व्यवस्था को समझने पे फोकस कीजिए क्योंकि जब किसी सब्जेक्ट को आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो पहले उसका एक रोड मैप आपको पता होना चाहिए उसकी इम्पोर्टेंस आपको पता होना चाहिए कि क्या इसका महत्व है और क्यों आपको इसको यहाँ पर पढ़ना चाहिए तो पूरा जो आपके पास सिलेबस है इस सिलेबस में कुछ यूनिट्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो यूनिट वन यूनिट थ्री यूनिट फाइव और यूनिट टेन ये चार ऐसे यूनिट हैं जहाँ पर आपको एम पी के देखने को मिल जाएगा और यूनिट एट में आप एम पी करेंट अफेयर्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं अगर और बारीकी से अपन जाने की कोशिश करें तो यहाँ पर हम लोग एक यूनिट एट को भी शामिल कर सकते हैं क्योंकि यूनिट एट में जो एम पी करेंट सिलेबस को देखते हैं तो एक दो तीन चार और पांच यूनिट ऐसे हैं जहां पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एमपी जी के हमको देखने को मिलता है अगर यूनिट टेन और यूनिट एट की बात करें तो यहाँ पर लगभग चार सवाल यूनिट टेन में एम पी जी के से आते हैं। और लगभग अगर हम बात करें यूनिट एट में तीन से चार सवाल आपको देखने को मिल जाते हैं इन दोनों का अगर एवरेज निकाल तो हम लगभग दस सवाल निकाल लेते हैं बाकी जो तीन यूनिट हैं यूनिट वन यूनिट थ्री यूनिट फाइव इनसे दस दस सवाल आपके आते ही आते मतलब अगर आप इस पूरे सिलेबस को वॉच करते हैं तो हमारा जो एम के है जिसको हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं इससे ऑलमोस्ट आपको फोर्टी क्वेश्चन आते ऑलमोस्ट आपके यहाँ पर चालीस सवाल आते हैं आपके आपके कि जो चालीस सवाल हैं इन चालीस सवालों को आप सिर्फ चालीस सवाल की तरह ना देखें ये आपके सिलेक्शन और रिजेक्शन का आधार होते हैं इस बात को भी समझना चाहिए क्यों समझना चाहिए क्योंकि बीइंग एमपी स्टूडेंट अगर आप मध्य प्रदेश के विद्यार्थी हैं और मध्य प्रदेश के विद्यार्थी होने के नाते आप लोगों को यहाँ जो चालीस क्वेश्चन आते हैं इसमें से अधिकतम थर्टी एट और थर्टी नाइन इतने क्वेश्चन राइट करना चाहिए हर एक वो बच्चा जिसका सिलेक्शन एक दो या तीन सवालों से रुका हुआ है आप देखेंगे उनके एवरेज जो सवाल सही हुए होंगे वो थर्टी या थर्टी टू हुए होंगे उन्होंने एम पी के में तीस या बत्तीस सवालों को सही किया होगा अगर मध्य प्रदेश के डोमिसाइल हैं एम पी के आप स्टूडेंट हैं पी की एस कर रहे हैं तो आपका उस पोर्सन पर अच्छा कमांड होना चाहिए जहाँ से इतने सारे सवाल पूछे जाते हैं अगर इसी पोर्शन को आप गलत करके आएंगे और फिर आप ख्वाब सजाए बैठे हुए हैं कि हमको मुख्य परीक्षा में शामिल होना है तो कैसे पॉसिबल हो सकता है दोस्त तो इसीलिए कोशिश ये करनी है कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर अगर आप हार्ड वर्क कर सकते हो ये साइंस वालों के लिए ये कॉमर्स वालों के लिए ये आई वालों के लिए ये हर किसी के लिए इक्वलेंट है बराबर है क्योंकि अपनी पढ़ाई में अपनी स्टडी में कोई भी इसको कभी नहीं पढ़ता है तो इसीलिए इस सब्जेक्ट का महत्व ज़्यादा है हालांकि पीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे इसको वो रिस्पेक्ट नहीं देते जो इसको मिलनी चाहिए लेकिन पिछले दो तीन सालों से जिस तरीके से कट ऑफ जा रहा है ये सब्जेक्ट अपने आप में अपनी एक रिस्पेक्ट अपनी एक इज्जत को बनाने में लगा हुआ है तो ये चीज हम लोग एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ऑलमोस्ट जो फोर्टी परसेंट आपका पेपर है वो यहीं से आ रहा है मतलब जो सिलेक्शन की कहानी है वो यहीं से आपकी जाने वाली है तो आप इसको मजाक में कैसे ले सकते हैं ये चीज़ आपको याद रखना है तो पहले इसकी इम्पोर्टेंस को समझिए कि इतने सारे सवाल अगर यहाँ से आ रहे हैं और आपको अगर सेलेक्ट होना है तो आप इस क्राइटेरिया में सवालों को सही करके आएंगे और इस क्राइटेरिया में सवालों को सही करने के लिए आपको जिस तरीके से डॉक्टर मेडिसिन देता है मेडिसिन देता है मॉर्निंग नून और इवनिंग तीनों टाइम उसी तरीके से आपको एवरी डे एवरी डे मिनिमम दो घंटे खुद से पढ़ने के लिए देने पड़ेंगे इस सब्जेक्ट को आप क्लासेस लेते हैं मान लेते हैं एक घंटे की क्लास ली या आपने डेढ़ घंटे की क्लास ली लेकिन दो घंटे तो आपको फिर खुद से पढ़ना पड़ेगा इस बात का तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा तो इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस अपने आप में बहुत ज्यादा है पिछले दो तो तीन सालों में ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ से बने अगर हम लोग यूनिट वन की बात करते हैं तो यूनिट वन में बेसिकली क्या दिया गया है एक मोटा मोटा सर्वे अगर मैं आपके सामने रखू तो इसमें लिखा गया है एक शब्द है हिस्ट्री ठीक है हिस्ट्री ऑफ एमपी मध्य प्रदेश का इतिहास इसी के साथ में इसमें इन्होंने इंक्लूड किया हुआ है आर्ट एंड कल्चर मध्य प्रदेश का जो कला एंड संस्कृति है और यही अगर हम लोग बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की जो ट्राइब्स हैं इन ट्राइब्स को ट्राइबल जो पर्सनालिटीज़ हैं इनको भी इसी में इंक्लूड किया हुआ है मध्य प्रदेश की जो पर्सनालिटीज़ हैं ये पर्सनालिटीज़ भी इसी में शामिल हैं यूनिट वन अक्सर जो हर एक बच्चे के लिए परेशान करती है हर एक बच्चा इसी को लेकर दिक्कत में रहता है सर यूनिट वन हमसे नहीं बन रही है सर एमपी की हिस्ट्री नहीं बन रही है एमपी की हिस्ट्री नहीं बन रही जबकि अगर आप बहुत बारीकी से जाके देखेंगे तो इस यूनिट वन में सिर्फ एम की हिस्ट्री नहीं है मैं बार बार इस चीज को रिपीट करता हूं कि ट्वेंटी के अलावा ऐसा कोई भी पेपर नहीं हुआ है जहां पर एमपी हिस्ट्री के ढेरों सवाल आए हों 2020 में या दो इक्कीस वाले पेपर में तो दो सवाल आए थे जो लगभग हर किसी से बनने वाले सवाल थे तो यूनिट वन को आप सिर्फ एमपी हिस्ट्री कंसिडर नहीं करें क्योंकि यूनिट वन में और भी काफी सारी चीजें दी गई हैं अभी मैं अपन इन पर डिस्कशन करें तो यूनिट वन सिर्फ हिस्ट्री नहीं है अक्सर जो बच्चा है जो पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहा है वो यूनिट वन यूनिट सेवन और यूनिट नाइन को लेकर परेशान है पूरे टाइम चिल्लाता है सर एम पी हिस्ट्री कहाँ से पढ़े एम पी हिस्ट्री कहाँ से पढ़े भाई एम पी हिस्ट्री ही सब कुछ नहीं है इसमें बहुत कुछ डेटा दिया गया है हम आपसे डिटेल में अभी चर्चा करने वाले अगर यूनिट थ्री की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो यूनिट थ्री डील करता है सर कि मध्य प्रदेश का जो भूगोल है जियोग्राफी ऑफ एम पी आपको दिया गया है कि भैया आप तो भूगोल पढ़ लीजिए मध्य प्रदेश का और इस भूगोल को आप पढ़कर आइए अच्छे अच्छे सवाल हम लोग आपको यहाँ पर देने वाले अगर यूनिट फाइव की हम लोग बात करते हैं तो यूनिट फाइव डील करता है किसके साथ जो स्टेट की पॉलिटी है पॉलिटी एंड इकोनॉमी एक तो पॉलिटी के साथ डील करता है और एक इकोनॉमी के साथ डील करता है यूनिट टेन में स्टेट के कमीशन है राज्य के आयोग हैं एम ठीक है MPPSC, इस तरीके से कमीशन दिए गए तो ये पूरा आपका एक मोटा मोटा सिलेबस है जब आप पीसीएस की प्रिपरेशन करते हैं तो इन यूनिट के आसपास आपको जाना पड़ेगा एक छोटी सी बात बोली है इस लेक्चर के बीच में जैसे कुछ बच्चे हैं जो प्रेपरेशन कर रहे हैं है ना काफी सारे बच्चे हैं हैं जो प्रेपरेशन कर रहे हैं। मैंने एक लेक्चर पे और कमेंट देखा था आज फिर इस क्लास के स्टार्ट होने से पहले मैंने कमेंट देखा एक बच्चे ने कमेंट किया हुआ है कि सर आप ऐसा करिए <coughs> कि आप इस व्यवस्था का हिस्सा बन जाइए पीपीटी का देखो दोस्त मैं किसी की कमी या किसी की बुराई यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ जो लोग कंफर्टेबल हैं इसके साथ तो वो पढ़ाते हैं यार लेकिन मैं इस पैटर्न के साथ कंफर्टेबल हूँ कोई चीज़ नहीं छोड़ता हूँ कभी ये चीज़ आप ध्यान रखिए जो काम आपको पढ़ने दिया है वो काम आपको करना है तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोग पढ़ना चाहें नहीं चाहें दोनों कंडीशन में आपका स्वागत है दोनों कंडीशन में आपके लिए मेरी बेस्ट विशेष है प्लीज़ ऐसे कमेंट ना करें जिससे टीचर डीमोटिवेटेड हो। ये पूरी सीरीज यूट्यूब पर फ्री रहेगा और एक उस सब्जेक्ट के साथ हम डील कर रहे हैं जो बहुत कुछ आपको देने वाला है तो इसीलिए आप कोशिश करें कि अगर किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते नोट कर लो ना यार अगर आप डेडिकेशन के साथ बैठ कर पढ़ेंगे टेबल चेयर पे पढ़ेंगे हर एक चीज को लिखेंगे तो पेपर में आपको हेल्प करेगा वो पोथी पन्ना आप प्रिंट करा के उसमें टिक टिक कर करा के ऐसी ढेर सारी किताबें भरी पड़ी पढ़ी फिर भी मैं ट्राई करूँगा कि यार आप लोगों को कुछ नोट्स इस सब्जेक्ट के दे सकूँ बट ऐसे कमेंट ना करें जो एक टीचर को डीमोटिवेट करते हैं आप सपोर्ट नहीं कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है थैंक यू वेरी मच बट ऐसा भी नहीं करना है यार कि कोई कुछ अच्छा कर रहा है आईआईटी के कभी प्रोफेसर से पढ़ कर देखिए वो किस तरह आपको पढ़ाते हैं फिर आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है तो प्लीज़ एक हम्बल रिक्वेस्ट है ऐसी चीज़ें आप लोग ना करें ठीक चलिए आगे बढ़ते इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है ये सब्जेक्ट कहां कहां पर आएगा ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी है अब हम एक एक यूनिट वाइज आपसे डिस्कशन कर लेते हैं ये सेशन पूरा एक ओरिएंटेशन सेशन रहेगा हम कैसे क्या कवर करेंगे आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए हर एक चीज़ आपसे डिस्कस करेंगे जो बच्चे पढ़ने के पर्पज़ से आए आप लोग इस सेशन को स्किप कर सकते हैं अपना समय यहाँ पर जाया ना करें अपना वक्त यहाँ पर जाया ना करें मेरा अपना एक तरीका है पढ़ाने का इसी तरीके पर काम करता हूँ इसी को अपन को और बेहतर करना है इसको कैसे अच्छा किया जा सकता है इसको लेकर आपके जो भी सजेशन है आप मुझे दें हमेशा मैं उनका यहाँ पर वेलकम करूँगा ठीक है भाई तो हमने ये चीज देखी कि, कि किस तरीके से आप इस सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंट बना सकते हैं क्या इसका रोल है आपकी प्रिपरेशन में एक बार मैं आप लोगों से सिलेबस यहाँ पर डिस्कस कर देता हूं जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं यूनिट बन आप सारे के सारे बच्चे जिस यूनिट को लेकर यहां पर परेशान होते हैं और इस यूनिट बन अगर आप इस यूनिट बन को बहुत बारीकी से जाके देखेंगे बहुत क्लोजली अगर आप इसको वॉच करते हैं तो इसके काफी सारे एस्पेक्ट हैं काफ़ी सारे एस्पेक्ट मतलब काफ़ी सारे हिस्से दिए गए हैं सबसे पहले हम लोग उसकी बात करते हैं जो आपको परेशान कर रहा है बिच इज एम हिस्ट्री हर एक बच्चा इस चीज़ को लेकर पूरे टाइम परेशान होता है कल भी कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे सर एम पी की हिस्ट्री या एम पी के इतिहास को कैसे कवर करें अब एम पी का जो इतिहास है दोस्त पहली चीज़ तो इसको लेकर सिर्फ एक ही पी सी एस में सवाल बने हैं और कमीशन ने लिखा क्या हुआ है आप इस चीज़ पर फोकस करें एमपी की जो हिस्ट्री है इसको लेकर दो बातें लिखी हुई है पहला जो पॉइंट लिखा हुआ है वो ये है कि इंपॉर्टेंट इवेंट आप समझने की कोशिश करिएगा क्या बोलना चाहता है वो इम्पोर्टेंट इवेंट ऑफ एमपी ऑफ एम पी एंशियंट एंड मिडाइबल हिस्ट्री जो प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास है इसमें मध्य प्रदेश की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं इन घटनाओं पे आपको प्रकाश डालना है और जो सेकंड पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है सेकंड जो पॉइंट गिवन है वो दिखा गया है कि जो फ्रीडम मूवमेंट्स हैं इन फ्रीडम मूवमेंट्स में फ्रीडम मूवमेंट्स में एम का पार्टिसिपेशन जो फ्रीडम मूवमेंट्स हैं इनमें रूल ऑफ एम आपको बताना है ये दो लाइन में सिर्फ इतिहास पे चर्चा की गई है और आप सारे के सारे बच्चे क्या करते हैं इसी को लेकर परेशान होते हैं सर एम पी हिस्ट्री नहीं आती हिस्ट्री नहीं आती उस का ये एक सब है। ये सिर्फ एक सब क्लॉज है अच्छा आप इसमें भी अगर सवाल के पैटर्न को देखने की कोशिश करेंगे जिसको लेकर आप लोग इतना परेशान होते हैं तो देखो क्या आता है इन इंपॉर्टेंट अगर इवेंट की बात करें तो बचा पार्टी आपको मध्य प्रदेश का जो इतिहास है ये इंडिया जैसा नहीं मिलेगा जिस तरीके से इंडिया की हिस्ट्री है उस तरीके से राजस्थान और यूपी में तो क्लासेस मिल जाती है क्योंकि राजस्थान का इतिहास भी भारत का इतिहास है और बिहार का इतिहास भी भारत का इतिहास है लेकिन एमपी में ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो हम क्या करें सर तो हमको कुछ तीस या चालीस घंटे की पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है आप कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट पे डिस्कशन कीजिए कुछ जो इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं आप उस घटनाएस चर्चा कीजिए इसमें क्या हो सकता है देखेंगे जो सवाल बनने सवाल बनने बनने हैं हैं दोस्त वो से फ्रीडम मूवमेंट में जो रोल है एम का ये कैसे हुआ जैसे अठारह की क्रांति है एटीन का सेवन है इस रिवॉल्ट की शुरुआत कहां से हुई इसको किसने स्टार्ट किया एमपी में पहले कहां पर हुआ दूसरी जगह कहाँ पर हुआ तीसरे जगह कहाँ पर हुआ किसने इसमें पार्टिसिपेट किया कौन ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रहा था कौन अंग्रेज अधिकारी आया था फिर जबलपुर सत्याग्रह चोरा चोरी कांड फिर जंगल सत्याग्रह ऐसे जो इवेंट हुए हैं और इनमें जो पार्टिसिपेट करने वाले लोग हैं तात्या टोपी की अगर हम लोग बात करें कुंवर चैन सिंह की हम बात करते हैं ऐसे लोगों के बारे में आपको पढ़ना है तो बच्चा जो एमपी हिस्ट्री है आप इसको इंडियन हिस्ट्री की तरह तलाश करने की कोशिश करते हैं जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है जबकि यही चीज राजस्थान और बिहार में एप्लीकेबल है क्योंकि बिहार का इतिहास ही तो इंडिया का इतिहास है ओरिजिन ऑफ मगध एम्पायर वो बिहार का भी है वो इंडिया का भी है राजपूताना पूरा कल्चर राजस्थान का भी है और इंडिया का भी है दैट इज़ वाई कि वहाँ आपको इतिहास ज़्यादा मिलता है और एम में कम मिलता है तो ये जो आपका एक माइंड सेट है आप इसको हटाइए इतिहास के नाम पे कुछ भी पढ़ने मत बैठ जाइए क्या अभी सर हिस्ट्री कोई कुछ भी पढ़ा रहा है पचास टीचर पचास बुक और पचास पीडीएफ आपने इकट्ठे कर लिए ऐसा भी आपको नहीं करना है तो जिस हिस्ट्री का आपके पास फियर है इस हिस्ट्री में अगर मैं आपसे बात करता हूं एंशियट वाला जो आपका पोर्शन है आप अगर एंशियंट हिस्ट्री को लेकर परेशान है एंशियंट और मिडाइवल हिस्ट्री को लेकर परेशान है तो बेटा सिंपल सी कहानी आपको क्या करना है बहुत एक सरल काम आपको करना है आप सिर्फ ऐसा करें कि मध्य प्रदेश के जो प्रमुख राजवंश है राजवंश जिसको आप लोग डायनेस्टी कहते हैं या आप जो भी नाम जानते हैं। इन राजवंशों के बारे में चार पांच बातें सिर्फ आपको पढ़नी है चार पांच बातें मतलब क्या पहला तो इनके संस्थापक कि इनके फाउंडर कौन रहे हैं हुज दी फाउंडर इनकी राजधानी क्या रही है कैपिटल क्या रही है ठीक है संस्थापक राजधानी और अगर इनके समय पर कोई महान राजा हुआ है तो उस महान राजा को या इनका कोई स्मारक है इनके द्वारा कोई स्मारक बनवाया गया है या इनके द्वारा कोई सिक्के चलाए गए हैं या कोई भी कार्य किया गया है ऐसी कुछ जो चीजें हैं आप इन राजवंशों के बारे में पढ़ लेंगे प्राचीन काल के जितने भी हम लोग तो आएंगे इतिहास पढ़ा के चले जाएंगे बट आपको देखना है कि क्वेश्चन किस पैटर्न पर बन रहा है, इसके बनता है। कि अगर अग्निमित्र का शासन था तो कौन विदेशी यात्री आया करुड़ स्तंभ लेख किसने बनवाया या जो सांची का स्तूप था उसमें किसने अपग्रेशन कराया ये मेजर इवेंट है यही मेजर घटनाएं हैं और इनको आप जब बार 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 रिकॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली रिकॉल हो जाएगा आप पता नहीं क्या क्या पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ना है दोस्त जो एम से रिलेटेड है मुगल्स के टाइम पर एम में मुगल्स क्या कर रहे थे नहीं पढ़ना है मुगल्स के टाइम पर एमपी के रूलर्स ने क्या उनको रिटाइलेट किया वो पढ़ना है ड्यूरिंग ब्रिटिशर्स क्या इवेंट हुए वो पढ़ना है ब्रिटिशर्स ने क्या किया वो नहीं पढ़ना है आप इंडियन हिस्ट्री के साथ इसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हो और यही आप लोग मात खा जाते हो ये गलती मत करना इस हिस्ट्री वाले पोर्शन को आप उतनी इज्जत मत दो ये उतनी डिजर्व नहीं करता आपने कभी कभी देखा होगा किसी इंसान को आप बहुत इज्जत दे देते हो रो रहे होते हो गा रहे होते हो बस आजा आजा जबकि वो उतनी डिजर्व ही नहीं करता था यार आपने ज्यादा दे दी तो यही काम आप इसके साथ पद करिए आपसे एक रिक्वेस्ट है आप इस पोर्शन को टुकड़ों में डिवाइड कर लीजिए कि इतना सा पढ़ेंगे इतना सा पढ़ेंगे और पूरे एंटायर प्रिपरेशन में आप इसको लेके चलिए सेकेंड हम लोग बात करते हैं इस मॉडर्न हिस्ट्री की जो फ्रीडम मूवमेंट है बेटा इट्स कॉल्ड मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ एमपी आप इसको कह देते हैं कि एमपी का ये आधुनिक इतिहास है ये मध्य प्रदेश का मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है इस मॉडर्न हिस्ट्री में सर क्या इंपॉर्टेंट है क्या इम्पोर्टेंट है ये आपको पता होना चाहिए देखिए मूवमेंट्स आते हैं मूवमेंट्स आप इसको जानते हैं आंदोलन अगर आप आंदोलन को पढ़ते हैं तो आंदोलन में क्या इम्पोर्टेंट है क्या कि ये घटना ये घटना कब घटित हुई ये एक्चुअल में हुआ कब ये क्यों हुआ इसके पीछे क्या कारण है कौन इसमें शामिल था भारत की तरफ से कौन इसको दबाने आए ब्रिटिशर्स कहां पर हुई थी ये पांच सात चीज़ें तो हैं जो आपको याद रखनी है तो पूरे हिस्ट्री को लेकर आप जितने परेशान होते हो उस हिस्ट्री को आप कैटेगराइज कर लीजिए आप उस हिस्ट्री को डिवाइड कर लीजिए जैसे एंशियंट पढ़ोगे तो कोशिश ये करें बहुत ज़्यादा नहीं है राजवंश अपने पास एक दिन में एक राजवंश जब भी आप हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करेंगे एम की आप दस से बारह दिन का टाइम दें एक दिन में नहीं पढ़ना है अब बारह पंद्रह दिन में एमपी की हिस्ट्री को पढ़ें लिमिटेड पढ़ें उनको बार बार रिवाइज करें क्योंकि सवाल उतने नहीं आने दो, दो सवाल आने उस दो सवाल के लिए आप अगर फ्रीडम मूवमेंट को पढ़ लेंगे तो यहाँ से ही काम चल जाएगा मैं तो हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ लेकिन फिर भी बच्चों को लगता है कि सिलेक्शन शायद उसी के कारण हो रहा है तो हम इस पर रुक रहा है तो हम इस पर इतनी सारी यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं आई होप कि जो एम इतिहास को लेकर आपके मन में एक परेशानी होती है वो खत्म हो जाएगी सेम कहानी मॉडर्न हिस्ट्री पर आप अप्लाई कीजिए मॉडर्न हिस्ट्री जो एम की है अगर हम लोग बात करते हैं एम मॉडर्न हिस्ट्री तो इसको लेकर आप लोग इतने चिंतित क्यों होते हैं दोस्त कोशिश ये कीजिए कि जो भी डेटा आपके पास अवेलेबल है जो भी बुक्स आपके पास अवेलेबल हैं, जो भी डेटा में आपको प्रोवाइड कराऊंगा एटलीस्ट आप उस डेटा के साथ जाएं जैसे मान लीजिए 1857 का रिवॉल्ट है आप इस 1857 के रिवॉल्ट को सब कुछ पढ़ लीजिए एम से रिलेटेड अगर अपने पढ़े में से सवाल आएगा या जो किताबों में दिया गया है उसमें से सवाल आएगा तो बन सही कर देंगे बाहर से आ गया तो सबके लिए बाहर से हर किसी का तुक्का थोड़ी लगेगा तो आप उस चीज़ पे काम कीजिए आप उस उसमें मास्टरी करना चाहते हैं आप उसमें पी करना चाहते हैं जो कि प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है तो इतिहास वाला जो कंसेप्ट है आई होप आपको समझ में आ गया होगा आपके यहाँ पर परेशान नहीं कर रहा होगा अब इसमें जो एक इंपॉर्टेंट चीज दी गई है यूनिट वन में हम यूनिट वन पर अभी चर्चा कर रहे हैं तो इस यूनिट वन के अंतर्गत फिर दिया गया है सर आर्ट एंड कल्चर सीधा सा उन्होंने आपके पास लिखा हुआ है सर आर्ट एंड कल्चर अगर हम इस आर्ट एंड कल्चर की बात करते हैं इस आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं सर जैसे एमपी के जो फोक डांस हैं ये आ जाएंगे एम के सॉन्ग आ जाते हैं फॉक सॉन्ग की हम लोग बात करते हैं ड्रामा ठीक है ड्रामा फेयर्स फेयर्स फेस्टिवल्स ठीक है एम में बेटा ये सब कुछ देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश के जो लोक नृत्य हैं ये नृत्य आ जाएंगे लोक नृत्य मध्य प्रदेश के लोक गान आ जाएंगे सर हमको लोकगान गान पता होना चाहिए आप इसको बोलते हैं बेसिकली नाच के नाम से ठीक है ये मेले मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले मध्य प्रदेश के प्रमुख त्यौहार ठीक है ये सारी चीज़ें आ जाएंगी तो ये ठीक है जब हम लोग बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर ये कल्चर है आर्ट की जब भी आप लोग यहाँ पर बात करेंगे आर्ट को लेकर आप जब भी डिस्कस करते हैं तो बेटा देखो इन्होंने क्या बोला हुआ है आप काफ़ी सारी चीज़ें इसमें लिख सकते हैं जैसे मध्य प्रदेश में एक टॉपिक दिया गया है स्थापत्य कला है ना इस कल्चर के नाम से आप लोग यहाँ पर जानते हैं कि स्थापत्य कला दिया गया है आपसे कोई पूछ सकता है कि मंदिर जो है मध्य प्रदेश के इन मंदिर का पैटर्न क्या है मंदिर मध्य प्रदेश में काफी सारी गुफाएं हैं एनपी के जो टेंपल हैं ये टेंपल मध्य प्रदेश में काफी सारी जो केव्स हैं ये केव्स इसी के साथ में काफी सारे फोर्ट हैं ये फोर्ट ये आपको पता होना चाहिए एमपी हिस्ट्री नहीं है दोस्त सब कुछ इस यूनिट वन के अंतर्गत जो सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया गया है इज योर आर्ट आर्ट एंड एंड कल्चर कल्चर इस के साथ अगर आप डील करेंगे तो इतनी सारी चीजें पढ़नी है डांस है गान है नाच है मेले हैं त्योहार हैं और भी काफी सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड रहेंगी जो शायद मेरे सभी मिस हो रही हैं अब आप एक बात पर ध्यान दीजिए कि ये ये फैक्चुअल चीजें हाँ बेटा इसमें बोली भी दी गई है है ना इसमें बोली भी दी गई है कि आपके जो लैंग्वेजेस हैं लोकल ये लोकल लैंग्वेजेस भी दी गई हैं अब आप क्या करना चाहते हैं आप ये सोचते हैं कि इस पोर्सन को हम छोड़ कर सिर्फ हिस्ट्री पर लगे रहें जबकि सवाल यहीं से आने हैं सारे के सारे सवाल यहीं से आने है। इसी हैं इसी में आपको उन्होंने अवार्ड्स दिए हैं इसी के अंतर्गत एम के जो इतने सारे अवार्ड्स हैं वो अवार्ड्स दिए हैं है ना जिसको आप लोग बेसिकली पुरस्कार और सम्मान के नाम से जानते हैं पुरस्कार और सम्मान के नाम से जानते हैं अब ये वो चीजें हैं ना दोस्त कि इनको आप एक दिन में नहीं कर सकते आप इनको दो दिन में नहीं कर सकते आप इनको तीन दिन में नहीं कर सकते डेली का आपको इनको हिस्सा बनाना पड़ेगा डेली इनके साथ बात करिए डेली इनके साथ डील करिए जैसे आपने सबसे पहले क्या किया कि आपका जो रूटीन है पढ़ाई का उस रूटीन को चलने दीजिए कोई दिक्कत नहीं है है ना उस रूटीन को आप लोग चलने दीजिए उसमें कोई चेंजेस मत करिए लेकिन दस मिनट का समय निकाल के पंद्रह मिनट का समय निकाल के आपने एक सीरीज स्टार्ट की कि भैया मैं आठ दिन का समय दूंगा और एट डेज के अंदर अंदर मध्य प्रदेश के दो टॉपिक कवर कर दूंगा एक डांस और एक गान अब मैं एक दिन में एक डांस पढ़ूंगा या दो डांस पढ़ूंगा लेकिन उसके सारे एस्पेक्ट देख लूंगा जैसे बहूरिया है ये कहाँ होता है कौन सी जनजाति करती है कब करती है कितने दिन चलता है क्या चीज़ें होती बट मैं उनको मेमोराइज़ इतने अच्छे से करूँगा कि फिर ये मुझे परेशान नहीं करेंगे और बार, बार 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 हम उनको मेमोराइज़ करते रहेंगे तो ये यूनिट बन के साथ आप लोगों को ये गेम खेलना पड़ेगा बाकी जो यूनिट आप चला रहे हैं जैसे थ्री यूनिट इसकी मेन यूनिट होती है उसके साथ में आप इन चीज़ों को चलाते रहिए चलाते रहिए चलाते रहिए ठीक फिर आप अगले दो टॉपिक पे चले जाओ कि भैया अब नाच और मेले फिर आप फेयर्स के पास चले जाओ कि त्यौहार आप इनको एक दिन में याद नहीं कर सकते ये एक दिन में याद करने वाली कहानी नहीं है आप इनके साथ धीरे धीरे गेम खेलिए धीरे धीरे आपके पास वन ट्वेंटी डेज है आप इसको वन ट्वेंटी डेज का टाइम दे दीजिए कि इतने दिन में इतनी चीजें इतने दिन में इतनी चीजें लेकिन ऐसी याद करेंगे कि दोबारा भूलें नहीं बार बार इनको रिकॉल करेंगे बार बार रिवाइज करेंगे तो पेपर में ये एजेट इस याद आ जाए तो जो सेकंड यूनिट है जिसे बेसिकली आप वो आर्ट एंड कल्चर के नाम से जानते हैं उसमें इतनी सारी चीजें दी गई कौन सा मंदिर कहां है किसने बनवाया कौन सी गुफा है आप धीरे धीरे इनको टाइम तो दीजिए आप सोचते हैं बस एक दिन में कोई मारसावाए जादू की गुटी पिलाए और आपको याद करा जाए क्योंकि बेटा ये स्टेटिक पोर्शन हो जाता है अब सम्मान की अगर हम लोग बात करें तो ये सम्मान को आप बेसिकली ऐसे डिवाइड कर दीजिए तीन कैटेगरी में कि भैया एक तो राष्ट्रीय स्तर के आप पुरस्कार देते होंगे राष्ट्रीय स्तर के ठीक है एक आप लोग स्टेट लेवल के देते होंगे और एक आप और लोकल अवार्ड देते होंगे इनको डिवाइड कर लीजिए पहले राष्ट्रीय फिर फिर स्टेट लोकल ऐसे पढ़िए इसी में फेलोशिप आ जाएंगे जो फेलोशिप सरकार के द्वारा दी जाती है तो एम हिस्ट्री सिर्फ एक वो चीज है जो आपको परेशान करती है पूरे यूनिट में जबकि और इतने सारे एस्पेक्ट यहाँ पर दिए गए हैं आप बिलीव नहीं कर पाएंगे जैसे आर्ट एंड कल्चर वाला टॉपिक आपके पास हो गया फिर इसी में उन लोगों ने जो थर्ड टॉपिक आपको दिया है इस यूनिट वन की अगर मैं आपसे बात करता हूं इस यूनिट वन के अंतर्गत थर्ड जो मेजर टॉपिक है सर वो है आपके पास पर्सनालिटी क्या लिखा है उन्होंने व्यक्तित्व ठीक है इस व्यक्तित्व को जब भी आप देखेंगे है ना इस व्यक्तित्व को जब आप देखने के लिए जाएंगे तो इसके भी काफी सारे आस्पेक्ट आप उनके साथ डील ही नहीं करना चाहते आप सिर्फ एक दुश्मनी बना के उनसे रखे हुए हो इस व्यक्तित्व के काफी सारे एस्पेक्ट है सर कैसे जैसे उन्होंने आपसे बोल दिया भैया संगीतकार मध्य प्रदेश के जो संगीतकार हैं अब आप सोचते हो कि एक दिन में सारे पढ़ लें म्यूजिशियन ऑफ एमपी क्या जो म्यूजिशियन ऑफ एमपी है कि एक दिन में पढ़ने वाली व्यवस्था है क्या नहीं है भाई कभी नहीं पढ़ सकते आपको इनको फैक्टराइज करना पड़ेगा मध्य प्रदेश के जो चित्रकार हैं ठीक है चित्रकार अब सोचिए यूनिट वन का सवाल है हर बार आ रहा है मध्य प्रदेश के पेंटर लेकिन हम लोग यूनिट वन में किस पर लगे हुए हैं सर हम लोग लगे हुए हैं किसके ऊपर सिर्फ हिस्ट्री के ऊपर संगीतकार चित्रकार ठीक है तीसरे नंबर पर आप लोग लिख सकते हैं कि जो साहित्यकार है ये उन्होंने स्पेशली मेंशन किया हुआ है साहित्यकार लिटरेचरी आपके पास जो पर्सन है ये होना ही चाहिए ठीक है और अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें जो राजनीत है इस राजनीति से संबंधित भी व्यक्तियों को शामिल किया गया है राजनीति पॉलिटिक्स ठीक अब जो और अलग प्रकार के आपके पास लोग होते हैं जैसे हम इनको समाज से भी कह सकते हैं जिन्होंने सोशल वर्क आपके पास किया हुआ है सारी चीजें आ सकती हैं क्रिकेटर्स एथलीट आ जाते हैं तो जो थर्ड मेन आस्पेक्ट है यूनिट वन का विच इज योर पर्सनैलिटी इस पर्सनैलिटी में इतनी सारी चीजें दी गई अब सर कहाँ से पढ़े क्या पढ़े जो भी किताब आपके पास अवेलेबल है अगर आप मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं एक बार मैं देख लूँ, मैंने देखा नहीं है कि आवाज आ भी रही है या नहीं भी आ रही और पता चला कि मैं सिर्फ लगा हुआ हूं चिल्लाने के लिए ठीक है बहुत बढ़िया क्या बात है यार पहला लेक्चर है सिर्फ ये कहानी है ठीक है आ रहे है समझ में आ रहे है? आ रहा है सब कुछ अभी बेटा अभी बुक पे नहीं अभी बुक पे चर्चा नहीं कर रहे अभी जो बता रहा हूं बस आप उसको पढ़ते रहो ठीक है चलिए तो आप इनको इस तरीके से कैटेगराइज करिए और जब आप इसको कैटेगराइज करेंगे तो चीजें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी बहुत आसानी से आप इनको याद रख सकते हैं बहुत आसानी से बट आप क्या करते हैं सर हम बस भागते हैं एक रेस का हिस्सा मैंने बोल दिया आ जाओ सिर्फ यहीं से सब कुछ आएगा और बस आपको बना दिया मूर्ख जैसे भी बना सकता था आप लोग बन गए हैं ऐसा नहीं करना है दोस्त आप पी ऑफिसर बनना चाहते हैं आप लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं आप लोग अधिकारी बनना चाहते हैं और जो अधिकारी बनने वाले लोग होते हैं वो थोड़ा बहुत सोचते हैं मैंने कोई एक जादुई ट्रिक आपको बताई आप उसके लिए पागल हो गए फिर पेपर में सिलेक्शन नहीं होगा उसके बाद आप मुझे गालियां दोगे नहीं आप मेरे ऊपर भरोसा करिए मैं कराऊंगा डेफिनेटली कराऊंगा आप खुद से भी काम कीजिए जब आप खुद से काम करेंगे तो आपको बड़ा मजा यहां पर आने वाला है तो सेकंड जो इसका बेटा आस्पेक्ट है वो क्या है सर व्यक्तित्व है पर्सनालिटीज हैं और इसमें इतनी सारी कैटेगरी अब आप एक दिन में नहीं पढ़ सकते आप सोचते हैं एक दिन में सारी म्यूजिशियन कर लो यार इनका पूरा जीवन चला गया और पूरा जीवन जिसने जिस चीज को दिया है आप उसको एक दिन में देखना चाहते हो नहीं संगीतकारों को आप दो तीन दिन दीजिए दो तीन दिन चित्रकार को दीजिए दो तीन दिन साहित्यकार को एक लंबी प्रोसेस है ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है बहुत भरोसा बहुत पेशेंस बहुत रेगुलरिटी बहुत कंटिन्यूटी आपको लानी पड़ेगी तब जाकर आप इस पर काम कर पाएंगे तो सर्च कीजिए जो भी नाम मिलता है वो किताब में जितना डेटा दिया गया है आप उसको गूगल करिए अपार्ट बुक अगर कुछ मिलता है तो नोट डाउन करिए किताब से नोट डाउन करिए बार बार इनको पढ़िए बार बार आप इनको पढ़िए डेफिनेटली चीज़ें आपके साथ वर्क करें ये एक संयम की लड़ाई है आप इस संयम की लड़ाई को एक पेशेंस की लड़ाई को पेशेंस होकर लड़ना चाहते हैं जो कि प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है ये कोई जादू की झप्पी नहीं है ये कोई डॉक्टर की दवा की पुड़ियाँ नहीं है कि खिला दिया और आप सही हो गए ये तो आपका आयुर्वेदा है लगातार चलते रहना पड़ेगा चलते रहना पड़ेगा ऑटोमेटिकली आपको तो बहुत अच्छे से वर्क कर पाएंगे ठीक है इसी का अगर मैं फोर्थ आस्पेक्ट आपसे डिस्कस करता हूँ यूनिट जो वन है यूनिट वन सिर्फ हिस्ट्री नहीं है बेटा इसमें इतनी सारी चीजें हैं ध्यान रखिएगा इसका जो फोर्थ आस्पेक्ट है चौथा जो इसका पिलर है वो बेसिकली यहां पर दिया गया है उन्होंने क्या सर ट्राइब्स जनजाति स्पेशल मेंशन क्या हुआ है इसे ट्राइब्स जन जाति और जनजातीय व्यक्तित्व ट्राइब्स और इसी के साथ में उनकी व्यक्तित्व ये अलग से लिखा हुआ है जनजाति व्यक्तित्व अब हमारे साथ दिक्कत क्या है ना सर वही सारा फंडा हम हर जगह अप्लाई करने की कोशिश करते हैं आप जनजातियों को पढ़ो बेटा एक दिन में क्यों पढ़ना है यार आप इनको आठ दिन का समय दो आठ दिन का आपका जो रूटीन आपका फॉलो हो रहा है ना उसको फॉलो करिए आठ घंटे दस घंटे फॉलो करिए कोई दिक्कत नहीं मैं आपसे आप उसी रूटीन का हिस्सा बनाकर कोई स्पेशल इस पर कमांड नहीं करनी है आप देखेंगे आपका यूनिट वन पूरा कवर हो गया आप जनजातियों को एक एक जनजाति को पढ़े आप पूरा क्यों पढ़ना चाहते हैं पूरा नहीं पढ़ना है दोस्त आप क्या करें फर्स्ट डे सिर्फ इनके फैक्ट देखें पहले दिन सिर्फ आप इनके फैक्ट पढ़िए लाइक कि भाई लार्जेस्ट ट्राइब कौन सी है सबसे बड़ी ट्राइब पहले नंबर पर दूसरे नंबर पर तीसरे नंबर पर फिर देखिए ये जो ग्रुप है इस ग्रुप में सबसे बड़ा कौन सा है पहला दूसरा तीसरा फिर आपसे कोई पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश का जो ईस्टर्न पार्ट है कौन सी जनजाति वेस्टर्न पार्ट में कौन सी नर्दर्न साइड में कौन सी सदर्न साइड में कौन सी ये आप पढ़ लीजिए फिर आप यहां पर देखिए पता, हो, में. आपको, पता हो. फिर दिन आपको पता होना चाहिए जनगणना में आप इसको दो दिन में डिवाइड कर सकते हैं जब आप इनके फैक्ट पढ़ लेते हैं सारे फैक्ट आ जाते हैं कि इनके फादर कौन है जनजाति शब्द किसने दिया है इनके लिए एक्ट कब बना कमीशन कब बना ठीक है कौन सी अति पिछड़ी जनजातियां हैं ये सारी चीजें आप एक दिन में या दो दिन में इनको पढ़ें फिर हर दिन एक जनजाति को पढ़ें जैसे अगर भील जनजाति को पढ़ रहे हैं तो हमको सिर्फ एक दिन में भील जनजाति पढ़ना है कि भैया इस शब्द का मीनिंग क्या है भील शब्द का इनकी उत्पत्ति कहा से हुई किस क्षेत्र में पाए जाते हैं कौन इनके फादर हैं कौन सी उपजातियां हैं कौन सा डांस है कौन सा सॉन्ग है क्या फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं क्या खाते हैं क्या कपड़े पहनते हैं इस तरीके से आप दो दिन दो हमारे पास दस से बारह है ज्यादा नहीं पढ़ना सिर्फ बारह ट्राइब के बारे में आपको पढ़ना है और ये जो बारह जनजातियां हैं ये बारह जनजाति पढ़ने में एक्स्ट्रा अगर आपने बीस मिनट निकाल कर एक महीने का समय दे भी दिया तो क्या दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन ये पेशेंस की लड़ाई लड़नी पड़ेगी इम प्रैक्टिकल होकर या इम पेशेंस के साथ आप इनको नहीं लड़ सकते वो संयम आपको दिखाना पड़ेगा वो रेगुलरिटी आपको दिखानी पड़ेगी वो हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा जब एक जनजाति को पढ़ रहे हैं तो इसी में से एक व्यक्ति को उठा लिया ज्यादा से ज्यादा सिर्फ पंद्रह इवन हम लोग सिर्फ चार से छह लोगों के बारे में तो पढ़ते ही पढ़ते हैं चार से छह व्यक्ति शंकर शाह के के बारे बारे में में पढ़ते पढ़ते हैं हैं तात्या टोपे के बारे हैं पढ़ते हैं। दो चार और हैं जनजाति आप हैं। एक दिन में सब उसको ऐसे सकेलना चाहते हैं जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो यूनिट वन को जिसको लेकर आप लोग लड़ रहे हैं मैंने इसको चार कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है एक आध कैटेगरी और रह गई हूं तो आप उसको पांच कैटेगरी बना दीजिए एवरी पार्ट को एवरी पार्ट को अगर आप अपनी पढ़ाई का जैसे मान लीजिए आपका आठ घंटे का रूटीन है आप जो भी पढ़ते हैं इसमें सिर्फ तीस मिनट मुझे आपसे एक्स्ट्रा चाहिए एवरी डे अगर आप तीस मिनट सिर्फ एक्स्ट्रा देते हैं तीस मिनट सिर्फ एक्स्ट्रा देते हैं और एक पार्ट को अगर आप लोग एट डेज का टाइम देते हैं तो एट इंटू फाइव इज इक्वल टू फोर्टी चालीस दिन में आप लोग देखेंगे बिना शेड्यूल बिगाड़े बिना शेड्यूल बिगाड़े बिना बर्टन लिए बिना हार्डवर्क किए आपका जो यूनिट वन है ये बहुत अच्छे से कवर हो गया बहुत ज़्यादा अच्छे से कवर हो गया कि इससे रिलेटेड जितने भी सवाल आएंगे आप सारे के सारे बना देंगे जबकि आप रेगुलर दो घंटे इसको पढ़ेंगे तब भी कवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप हर दिन सिर्फ टेंशन में रहेंगे यार हमको तो आता ही नहीं है हमसे तो बनता ही नहीं है तो इस यूनिट वन के साथ आपको यही खेल खेलना है जो मैंने आपको बताया है सुनने में बड़ा आसान है यह सुनने में बड़ा सरल है लेकिन करने में उतना ही कठिन है जब आप देखने के लिए जाएंगे राइट? तो यूनिट वन वाली कहानी शायद आपको समझ में आ गई होगी बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि सर तो टाइम पास कर रहे हैं ठीक है ठीक है आप में से बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि आप हो सकता है आ, मैं टाइम पास यहाँ पर कर रहा हूँ कुछ भी लेकिन बेटा ये सेशन आपको बड़ा पसंद आएगा जब आप पेपर को क्वालिफाई करेंगे इस सेशन के साथ बड़ा यूनिट वन का एक मोटा मोटा मैंने आपको रोड मैप यहाँ पर बता दिया है चलिए अब हम लोग डिस्कशन करते हैं यूनिट थ्री इस यूनिट थ्री को हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे मैं यही आपको पढ़ाना स्टार्ट करूंगा क्योंकि ये जोग्राफी है इसके भी काफ़ी सारे हिस्से हैं हम इसको हिस्से बाइड कर लेंगे तो देखिए ये बेसिकली आपके पास क्या है सर जोग्राफी है इसमें आपको क्या देखने को मिलता है सर भूगोल देखने को मिलता है और इस यूनिट के साथ मैं आपको डील करूंगा जैसे ही ये आपके पास यूनिट कवर होगी तो आप देखेंगे कि यूनिट बन के भी काफी सारे आस्पेक्ट आप लोगों ने कवर कर लिए अब यहाँ भी बहुत स्पेसिफिक चीजें उन्होंने डिफाइन की हुई है क्या चाहिए उन्हें आपसे इंट्रोडक्शन सबसे पहले इसका हिस्सा होता है सर सामान्य परिचय इस चीज पर हम लोग डील करेंगे कि भाई ये आपको एटलीस्ट पता तो होना चाहिए मध्य प्रदेश क्या है हिस्ट्री में तो लिखा नहीं है उन्होंने इंट्रोडक्शन ऑफ एम पी के साथ हम लोग यहाँ पर डील करेंगे जो हमारी क्लास रहेगी आज बेसिकली सिलेबस डिस्कशन टाइटल होना चाहिए था बट मैं क्या करूं इसको चेंज करा दें ठीक है इंट्रोडक्शन ये हम पढ़ेंगे आफ्टर दैट फिर हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं इसके जो नेबर स्टेट है ठीक आज है आजकल क्वेश्चन आने लगे हैं नेबर स्टेट पड़ोसी राज्य और जिले हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं इनसे भी क्वेश्चन बनने लगे हैं बच्चे बड़े परेशान होते हैं सर क्या करें ठीक है तो ये देखेंगे आफ्टर दैट हम यहाँ पर चलेंगे री ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम पी की तरफ कि भैया जो एम पी है ये एम पी बना कैसे पुनर्गठन को देखेंगे कि भैया मध्य प्रदेश का निर्माण कैसे हुआ इसका पुनर्गठन कैसे हुआ और इसी में जो चौथा टॉपिक है वो है रॉक सिस्टम इन एमपी जैसे आपने पढ़ा होगा ना कि धारवाड़ ठीक है और ये चट्टाने कहाँ पाई जाती हैं रॉक सिस्टम ऑफ एम के साथ हम लोग बात करेंगे जैसे ही हम लोग इससे आगे बढ़ जाते हैं तो एक छोटा सा टॉपिक है जो ज़्यादा परेशान करता है आप लोगों को विच इज फिजियोग्राफी है ना फिजियोग्राफी अब फिजियोग्राफी को अक्सर हम लोग पढ़ते हैं आठ से दस क्लास में लेकिन यहाँ इतना टाइम नहीं लेंगे क्योंकि पीटी के हिसाब से पढ़ना है तो इस फिजियोग्राफी को कवर करने की कोशिश करेंगे कि दो क्लास में मैं निपटा दूँ उसको सिर्फ दो क्लास आप लोग यहाँ पर लें और इसको कवर कर दें तो फिजियोग्राफी पढ़ेंगे इसके बाद फिर जो सवाल आपके पास बेसिक यहाँ से बनते हैं माउंटेन्स ठीक है माउंटेन्स मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्वत और पर्वत श्रृंखलाएं इससे भी आपका सवाल बन जाता है दोस्त सबने देखा होगा अगर आप पेपर का एनालिसिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम इस ये रहेगा फिर हम लोग चलेंगे रिवर सिस्टम अब देखो रिवर से सवाल काफी सारे बनते हैं तो कोशिश तो ये रहेगी रिवर सिस्टम को एक ही क्लास में कवर करें बट फिर भी हम लोग इसके लिए दो क्लास लेंगे कम से कम और रिवर सिस्टम को कवर करेंगे तो रिवर वैली प्रोजेक्ट नदी घाटी परियोजना ये अपना यूनिट थ्री को पढ़ने के एक रोड मैप के तौर पर आप लोग ले सकते हैं हर दिन इसकी एक टॉपिक की क्लास आएगी और बाकी जो काम है मैं आपको बताता रहूंगा कि ये पढ़कर आओ ये पढ़कर आओ जो यूनिट वन के साथ खेल आपको खेलना है अपन करते रहें आप भरोसा रखें परेशान ना रिवर वैली प्रोजेक्ट को हम जैसे ही कवर करेंगे क्योंकि ये बड़े टॉपिक हैं सारे के सारे बेटा बहुत सारे सवाल यहाँ से आते हैं भर भर कर आते हैं जैसे जैसे कवर करते जाएंगे वैसे वैसे हम इनकी प्रैक्टिस भी करते चलेंगे प्रैक्टिस सेशन दो तीन दिन में कवर कर लिया बढ़िया दो सौ सवाल करा दिए एम पी के जो भौतिक विभाजन है फिर पर्वतों के पचास सवाल करा दिए फिर नदियों के दो सौ सवाल करा दिए इस तरीके से फिर कहानी को अपन आगे बढ़ाते रहेंगे और रिवर वैली प्रोजेक्ट आफ्टर दैट फिर क्लाइमेट जलवायु जो कि मध्य प्रदेश पी का सबसे फेवरेट टॉपिक हो गया है यहाँ से काफी सारे सवाल बनते हैं सर क्या बनते हैं आप देख लीजिए सबसे पहले तो क्लाइमेट से ही आ जाता है कि भैया क्लाइमेट किस तरीके से है, ये इनका फेवरेट टॉपिक है फिर टेम्परेचर टेम्परेचर और तीसरा इसका जो हिस्सा होता है वो होता है सर आपके पास क्या रेनफॉल बरसा तो जलवायु को हम लोग देखेंगे और जलवायु पे भी लगभग मैं आपके लिए दो क्लास यहाँ पर कम से कम लूंगा क्योंकि दो क्लास लाइक ये टॉपिक आपके पास है ठीक है जैसे हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे तो फिर हम कोशिश यहां पे करेंगे कोशिश यह रहेगी मेरी कि क्लाइमेट को कवर करने के बाद हम चले सर मिनरल्स क्योंकि मिनरल से आप लोग देख रहे हैं पिछले हर दो साल से सवाल आ रहा है खनिज खनिज पे हम दो क्लास लेंगे ठीक है क्योंकि खनिज से काफी सारे सवाल बनते हैं तो हल्के में नहीं लेंगे खनिज को पढ़ेंगे खनिज को पढ़ने के बाद एनर्जी रिसोर्सेज जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं इन एनर्जी रिसोर्सेज पर डील करेंगे एनर्जी रिसोर्सेज को पढ़ने के बाद फिर अपन लोग चलेंगे एग्रीकल्चर कृषि कृषि की भी कम से कम अपनी दो क्लास रहेंगे क्योंकि कृषि से काफ़ी सारे सवाल आते हैं और कृषि को जब हम लोग पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो ट्रांसपोर्ट है इस ट्रांसपोर्ट को ट्रांसपोर्ट पर बहुत अच्छा लेक्चर मैंने बनाया हुआ है जिससे काफ़ी सारे सवाल आपके बन जाते हैं इसको हम लोग देखेंगे और इसी में हम लोग शामिल करेंगे बेटा किसको टूरिज्म को पर्यटन को जो कि यूनिट वन का हिस्सा है फिर हम लोग किस पे बात करेंगे सर पर्यटन पर और इसको हम लोग निपटा लेंगे तो एक क्लास में आपको प्रोवाइड करा दूंगा ट्राइब्स की जनजाति की ठीक है और इसी में हम लोग शामिल करेंगे किसको सेंसस को ठीक है मध्य प्रदेश की जनगणना को अगर आप लोग देखें तो एक दो तीन चार ठीक है तीन क्लास यहाँ ले लेता हूं मैं सात आठ ठीक है नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह ठीक है पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस लगभग ये एक महीने का पूरा का पूरा आपके पास टॉपिक है पूरी पूरी कहानी है ये लगभग लगभग इन क्लासेस में इनको कवर करने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा बहुत डेडिकेटेड लेक्चर्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा ऐसा नहीं है कि मजाक चल रहा है आपके साथ बहुत डेडिकेटेड लेक्चर यहाँ पर रहेंगे ठीक है इसी के साथ में अपन लोग क्या करेंगे ना कि तो जो यूनिट वन है इस यूनिट वन को थोड़ा 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 लेते चलेंगे जिससे आपको मैं गाइड करता चलूं भाई ये पढ़ कर आओ ये पढ़ कर आओ ये पढ़ कर आओ ठीक है तो यूनिट वन को भी अपन कवर कर लेंगे और यूनिट थ्री का ऑलमोस्ट काफी सारा पोर्शन आप लोगों का कवर हो जाए ठीक है भाई शायद आप लोग इसमें अग्री करते होंगे यहां तक कोई परेशानी है किसी बच्चे को क्या थोड़ी सी भी दिक्कत है यार एक बार लाइक शेयर कर दो सारे के सारे हाँ अच्छा देखिए एक बात और मैं आपको बता दूं अभी जो एक दिक्कत है ना एम पी के एक साथ वो क्या है वो है लैंग्वेज को लेकर पर प्रभु की कृपा या आप लोगों के सपोर्ट की मैं बात करूं मैं हंड्रेड परसेंट कम्फर्टेबल हूँ बायो में इवन इंग्लिश के टर्म्स आजकल ज़्यादा यूज हो जाते हैं तो हिंदी वाले बच्चे शायद मेरे से दूर हो गए बट बच्चा मैं देखो कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर हर एक शब्द को बाय लिंग्वल लिखो ताकि ना तो हिंदी वाला बच्चा अपना दूर हो और ना ही अंग्रेजी वाला बच्चा दूर हो बोर्ड पर बाइलिंगल पढ़ाना लिटरली अपने आप में एक चैलेंज है कोई तारीफ नहीं कर रहा बोर्ड पर मैं अगर एक पीडीएफ बना के लाता हूं या पीपीटी बना के लाता हूं तो इट्स हेल्पफुल मैं मैनेज कर सकता हूं बट बोर्ड पर, पर बाइलिंगल पढ़ाना अपने आप में एक चैलेंज है और आप देखेंगे कि आजकल इस चीज को मैंने सुधारा है कि आपको कहीं दिक्कत नहीं आए कोई एक सिंगल टर्म्स भी शायद आपको ऐसी नहीं होती होगी जो बायलिंग्वल नहीं रहती हो तो अब तो आप लोगों का एक एक, एक कर्तव्य बनता है एक दायित्व बनता है यार इस बंदे को अब तो सपोर्ट करना चाहिए बोर्ड पर सारी चीज़ें प्रेजेंट करना बेटा कुछ बच्चों आलसी बच्चों को गलत लग सकते हैं बट लिटरली ये ट्रेडिशनल मेथड है और इस मेथड के साथ अगर आप लोग पढ़ लेंगे ना तो बिलीव में आप एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके आएंगे एक एक सवाल आपसे बनेगा आप उसको कभी भूलेंगे नहीं बट दिक्कत एक ही चीज़ होती है कि जो बहुत सारी चीज़ों को लेकर हम यहां पर क्या होते हैं सर ठीक है हो जाते हैं परेशान हो जाते हैं क्लास रहेगी बेटा डेली दस बजे ये जो क्लास रहेगी ये डेली टेन पी पर आपकी क्लास चलेगी इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे रेगुलर होगी हर दिन होगी मैं कोई भी इसमें आपके साथ धोखा नहीं करूंगा ठीक है अब हम लोग चलते हैं सर यूनिट फाइव की तरफ यूनिट फाइव देखिए यूनिट फाइव के साथ भी सेम कहानी है आप बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं सर यूनिट फाइव को हम कैसे डील करेंगे आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा इसके दो आस्पेक्ट दिए गए दो आस्पेक्ट एक यहां पर दिया गया है पॉलिटी ऑफ एमपी अब जनरली जो बच्चे होते हैं पॉलिटी ऑफ एम को लेकर परेशान होते हैं मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था ठीक है आप इसको यहां पर कैसे जानते हैं सर राज्य व्यवस्था के नाम से और अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी संविधान को पढ़ा है थोड़ा सा भी अगर आपने संविधान को पढ़ा है तो आप सारे के सारे बच्चे जानते हैं कि भारत के संविधान का जो भाग छ है भारत के संविधान का पार्ट सिक्स करता है स्टेट लेजिस्लेचर से राज्य की व्यवस्था से इसके हर एक एस्पेक्ट को यहाँ पर कवर करने की कोशिश की जाएगी जैसे अगर हम लोग बात करें तो इसके अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है गवर्नर गवर्नर ठीक है राज्यपाल मैं इससे रिलेटेड आपको सारे संवैधानिक प्रावधान पढ़ाऊंगा आपको उसी साथ में एक वर्क दिया जाएगा काम दिया जाएगा अभी इस पर काम मत करिए पहले यूनिट थ्री के साथ यूनिट वन को कवर कीजिए जब हम लोग इस यूनिट फाइव को पढ़ रहे होंगे तो मैंने आपको गवर्नर से रिलेटेड सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम प्रोविजन पढ़ा दिए जब हमारा यूनिट फाइव चल रहा होगा आप लोगों को डेली तीन चीजें पढ़नी होंगी क्या पढ़ेंगे सर आप पढ़ेंगे डेली दो से तीन गवर्नर के बारे में वो मैं आपको लिखाऊंगा एक दिन में तीन गवर्नर के बारे में डेटा मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या पढ़ना है एक दिन में हम लोग कोशिश करेंगे तीन सी और एक दिन में हम लोग कोशिश करेंगे कि हाई कोर्ट के तीन जज ज्यादा नहीं एक दिन में तीन तीन एक दिन में दो दो व्यक्ति जब हम लोग इनसे रिलेटेड संवैधानिक प्रावधान देख रहे होंगे चाहे आपके पास वो गवर्नर हो या फिर आपके पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करें सीएम यहां पर आ सकते हैं ठीक है स्टेट जो लेजिस्लेचर है ये लेजिस्लेचर इसी का हिस्सा आ जाएगा ठीक है फिर जो स्टेट की जुडिशरी है ये जुडिशरी इसी के अंतर्गत आएगी हम सारा का सारा जो संविधान वाला पार्ट है यहाँ पे कवर कर रहे होंगे और इसी के साथ में इनसे रिलेटेड जो स्टैटिक पोर्शन है इस स्टैटिक पोर्शन के साथ भी डील करेंगे कैसे करेंगे वो सब आपके पास चलता रहेगा ठीक है राज्य व्यवस्था इसी का एक और हिस्सा है जो कि जाना जाता है पंचायती राज सिस्टम को लेकर इस पर मैंने एक लेक्चर बनाया हुआ है सिर्फ पांच घंटे का लेक्चर है सिर्फ पांच घंटे का और आपने ठीक ठाक उसको सपोर्ट किया हुआ है दो ढाई लाख के आसपास उसमें व्यूज है पाँच छः महीने पुराना लेक्चर है तो उस पर भी अपन बहुत अच्छे से काम करेंगे ठीक है ठीके? तो ये तरीका रहेगा राज्य व्यवस्था को कवर करने का इसका जो सेकेंड आस्पेक्ट है वो दिया गया है सर इकोनॉमी इकोनॉमी को लेकर बच्चों के मन में बड़ा डर है सारे के सारे बच्चे डरते रहते हैं परेशान होते रहते हैं बट इसमें अपनी तरीका रहेगा हम सबसे पहले देखेंगे कि एमपी की इकोनॉमी का सिनारियो क्या है मतलब तो एमपी की इकोनॉमी है क्या अर्थव्यवस्था एक्चुअल में है क्या एमपी में फिर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे जो स्कीम्स चली है फाइवियर प्लांट पे डिस्कशन करेंगे फिर हम लोग देखेंगे एम पी में इंडस्ट्री एम पी में उद्योग और इसके सारे के सारे जो इससे रिलेटेड स्कीम्स इस है चाहे बोले फिर वो आ, महिलाओं से रिलेटेड हो कृषि से रिलेटेड हो मजदूर से रिलेटेड हो तो ये सारी एस्पेक्ट यहाँ पे अपन लोग कवर करेंगे तो मेन जो अपना काम चलेगा यूनिट थ्री चलेगा उसी के साथ में यूनिट वन को कवर करते चलेंगे डे बाई डे पर मैं आपको बताऊंगा कि इस टॉपिक को पढ़िए आठ दिन फिर अगले आठ दिन इसको फिर अगले आठ दिन इसको बेहतर चलेगा बहुत बेहतरीन चलेगा आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी भरोसा करिए ठीक है भाई तो ये एक तरीके से सिलेबस को मैंने आपके सामने यहां पर डी कर दिया है जो अक्सर हर एक बच्चा यहां पर परेशान होता है अब आप में से बहुत सारे बच्चों का एक सवाल रहता है सर क्या करें आप सारे के सारे बच्चे बुक्स को लेकर परेशान होते हैं तो देखो मैं एक पर्सनल जो सजेशन आप लोगों को दूंगा कि अगर आप इन क्लासेस को फॉलो कर रहे हैं क्लासेस को तो बेटा नो नीड मैं ऐसी कोई कमी नहीं छोड़ूंगा जो आप लोगों को परेशान करे नो no नीड आप एम की बुक्स ले सकते हैं और एम दो पब्लिकेशन की ले एक की ना ले एक तो आता है आपके पास पुणेकर पब्लिकेशन और एक आता है आपके पास कौन सा सर महावीर पब्लिकेशन और इसी के साथ में एक किताब जरूर आप लोग रख लें हिंदी ग्रंथ अकादमी अब सारे के सारे बच्चे बोलेंगे सर हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो बुक है ये तो गलत आती है कोई बात नहीं बेटा लेकिन इसमें जो एम सी क्यू होते हैं वो काफी प्यारे होते हैं और अक्सर ऐसे कैसे आपके पेपर में आ जाते हैं बस ये काम आपको करना है फिर भी कोई किताब लेना चाहे तो आपकी इच्छा है जो भी पब्लिकेशन आपको पसंद आता है आप उसके लिए मेरी मार्केट में भी कोई किताब नहीं है तो मुझसे एक्सपेक्टेशन नहीं रखें हाँ आप जिसकी लेना चाहें ले सकते हैं क्योंकि आजकल इतने छुट लेखक हो गए हैं बाजार में हर किसी ने किताब निकाल दी है बस उनको लगता है किताब निकालने के बाद बड़े टीचर हो जाते हैं यार बड़ा टीचर बनने के लिए आपको बड़ा पढ़ाना पड़ेगा तब जाके शायद आप बड़े टीचर हो सकते हैं आपको सिलेबस में कमांड करनी पड़ेगी सिर्फ लिख देने से कट कॉपी पेस्ट करने से बड़े टीचर नहीं बनते तो आप जो लेना चाहें बिल्कुल ले सकते हैं फ्री हैंड है आपके पास लेकिन कोशिश करें कि क्लासेस पे भरोसा करें आप इन पे बिलीव करें ठीक है कुछ चीजों का और आपको ध्यान रखना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है एक तो रेगुलरली मस्ट है आपको क्या करना है सर इस रेगुलरिटी को बनाए रखना है किसी भी कंडीशन में ब्रेक डाउन नहीं करना है दूसरा हमेशा एक मोटिवेटेड माहौल बनाए रखना है हमेशा एक मोटिवेशन रखिए अपने आसपास कितना भी गलत क्यों ना हो रहा हो तो भी सकारात्मक रहिए तीसरा कोशिश करें अपने नोट्स जरूर बनाए हस्तलिखित हाथों से लिखें और चौथा जो पॉइंट है सर वो है रिविजन पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है और पांचवा जो पॉइंट है वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप इनको जरूर सॉल्व करें बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली चीजें क्या नहीं करना है क्या नहीं करना है ये भी देख लीजिए तीन क्रॉस लगा दिए जो बच्चे अक्सर करते हैं देखो एक सब्जेक्ट है ना दोस्त इस एक सब्जेक्ट के लिए एक बुक वो कोई भी पब्लिकेशन हो सकता है ध्यान रखिए इसके लिए एक टीचर वो कोई भी हो सकता है मुझसे भी काफी अच्छे टीचर होंगे इसके लिए एक बुक एक टीचर और कोशिश करें कि एक ही पीडीएफ पढ़े पढ़ें पचास यहाँ पर ना पढ़ें ठीक इनको आप बार बार पढ़ें कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो बस ये करना है ऐसा नहीं कि दस टीचर दस किताबें पूरे टाइम एम बी एम पी पढ़ रहे हो मुझसे पढ़ा क्योंकि एमपीपीएससी की वैकेंसी मैंने अगर एम पढ़ाना स्टार्ट कर दिया आप देखना अब सारे के सारे बस यही पढ़ाना स्टार्ट कर दें तो इससे आपको बचना है इसी के साथ में कोशिश करनी है कि आपके जो फ्रेंड्स हैं ये फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं इससे आप लोग ज्यादा डिस्टर्ब ना हो यार मेरा तो ये कवर हो गया मेरा तो वो कवर हो गया इनसे भी आपको बचना है ऐसी चीजें आपको नहीं करनी ठीक है भटकना है जो भटकाव है इस भटकाव से खुद को रोकना है ठीक है बहुत ज्यादा इधर उधर आपको शिफ्ट नहीं होना है क्योंकि अब टॉप सौ क्वेश्चन टॉप दो सौ क्वेश्चन टॉप पांच सौ हजार प्रश्न एमपी करेंट अफेयर एम पी स्टेट क्या करेंट जब आएगा तब देख लेंगे अभी से नहीं भागना है इसके पीछे पचास किताबों के पीछे नहीं भागना है पचास टेस्ट सीरीज के पीछे नहीं भागना है पहले उस सिलेबस को बहुत अच्छे से करना है उसका रिविजन करना है बार बार उसके एम सी क्यू सॉल्व करना है बार बार बस इतना सा काम एक बार आप कर लीजिए ना फिर देखिए कितना मज़ा आप लोगों को आने वाला है तो कोशिश ये कीजिए कि इस पूरे सफर में इस पूरे यात्रा में आप पूरे डेडिकेशन के साथ मेरे साथ रहेंगे बहुत बेहतर तरीके से आप लोग यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करेंगे हम डे बाई डे पर जितना इम्प्रूवमेंट हो सकता है उतना इम्प्रूवमेंट यहाँ पर करते रहेंगे ठीक है भाई चलिए इस क्लास के बारे में आपको बता देता हूँ क्लास की जो टाइमिंग रहेगी वो मैंने डिसाइड किया हुआ है कि हम टेन पी रखें क्योंकि इस समय सारे वर्किंग नॉन वर्किंग सारे बच्चे फ्री हो जाते हैं कुछ बच्चों का सोने का टाइम हो जाता है तो आप एक अच्छी क्लास लेकर सोने जाएंगे तो उसमें भी आप लोगों को हेल्प मिल जाएगी ठीक है ये सारी बातें मुझे आप लोगों को बतानी थी और मुझे ऐसी उम्मीद है कि शायद आप लोगों को कुछ यहाँ पर समझ में आ गया होगा बेटा नहीं देखिए फिर क्लासेस की टाइमिंग थोड़ी सी बिगड़ने लगती हैं आगे पीछे करेंगे हाँ सबको रहना है बेटा सबको रहना है आपको रहना है आपके दोस्तों को रहना है सबको रहना है आप इस क्लास को जितना शेयर कर सकते हैं सर मैं जोधपुर से हूँ स्वागत है नहीं बेटा टाइमिंग में कोई चेंज नहीं होगा दस बजे टाइमिंग रहेगी क्योंकि हमारे साथ भी काफ़ी सारे काम होते हैं वो हमें भी यहाँ पर देखने होते हैं बेटा करा देंगे ठीक है पहले एमपीजी जी के और पॉलिटी का मैंने सोचा हुआ है एमसीक्यू सीरीज के थ्रू अपन उसको कवर करेंगे और फिर उसकी कुछ क्लासेस भी आपको प्रोवाइड करा देंगे ठीक है हाँ बेटा ये यहां पर देखिए अभी जो मैं डिस्कस कर रहा हूं यार इसके बारे में आप लोग बात कर लें प्लीज एग्जाम कब है बेटा 21 मई को है कब है 21 मई को आपका एग्जाम है ठीक है बेटा वक्त की नजाकत को समझो मोंटी भाई हां बिल्कुल ले सकते हैं बेटा हाँ यूट्यूब पर तो सारी क्लासेस फ्री रहती हैं आप जानते हैं इस पर हम आपसे कोई चार्ज नहीं लेते कंप्लीट प्रिपरेशन अगर आप लोग करना चाहते हैं तो पर आप लोगों का स्वागत जरूर है वह हमारा एक पूरा बैच आ रहा है जिसमें सारी यूनिट कवर होंगी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन सारे एजुकेटर काफी सारे एजुकेटर की टीम मिलकर आपको वहां पढ़ाएगी ठीक है ये जो मैं पढ़ा रहा हूं इसका आपसे कुछ भी नहीं रहेगा हाँ बेटा बिल्कुल हो जाएगा घर पर कैसे करें पढ़ाई पेपर थ्री ले लीजिए बेटा मीन में घर पे यार सब लोग घर पर ही करते हैं सब आजकल इतनी फैसिलिटी है सोचिए एक समय ना तो गाइडेंस होता था ना किताबें होती थी ना टीचर होते थे कुछ नहीं होता था ठीक है लेकिन उसके बाद भी बच्चे पढ़ लेते थे आजकल इतना सारा कंटेंट है इतने सारे टीचर हैं इतनी सारी फैसिलिटी है सारी फिर भी आप लोग नहीं पढ़ पाते हैं। अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान केंद्रित कीजिए सफल होना है देखिए जीवन में जो आज चल रहा है ना दोस्त ये दो पाँच साल बाद ऐसा लगेगा यार किस किस चीज़ में उलझे रहते थे एक शब्द चलता है जबरदस्ती का कि हम फालतू तो में उलझे रहते थे ऐसा नहीं करना है आप कोशिश करें कि अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली आपके पास हो जाएगा ठीक है आई होप कि मैं जो आपको समझाना चाह रहा था आप सारे के सारे बच्चे समझ गए होंगे ठीक है हाँ कल से रहेगी बिल्कुल ठीक है आज भी क्लास ही है इसमें क्या दिक्कत है आज भी आप इसको क्लास के तौर पर ही कंसीडर कीजिए ऐसा क्यों आपको लगता है कि सर कल से रहिए हाँ बेटा रूम राम रूप भाई कल अगर क्लास शेड्यूल नहीं हुई तो फिर आप ही समझिए पाँच जैन फिक्स है ठीक है कोशिश तो रहेगी सब कराएंगे यार सब करा आप भरोसा देखिए अक्सर आप जल्दबाजी में रहते हैं भरोसा तो रखिए एक दिन में क्या मैं सब कुछ कर सकता हूं क्या मन नहीं लग रहा है यार दोस्त इतनी मेहनत करने के बाद इतने अच्छे से आप लोगों को समझाने के बाद भी अगर आपका मन नहीं लग रहा है तो ये हमारी गलती है ये हमारा फॉल्ट है कि हम आपको वो चीज़ नहीं समझा पा रहे हैं जो जरूरी है तो प्लीज कोशिश करिए हर एक चीज को साइड करके ठीक है हर एक चीज को साइड करके टेंशन क्या है टेंशन डर है और डर कमजोरी होती है और कमजोरी जब हम अच्छे से काम नहीं कर रहे होते हैं वहाँ से आती है टेंशन बेईमान को होती है तो हम ना बेईमान है ना हम चोरी कर रहे हैं हम सब कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं तो क्यों डरे है? कल परिणाम आपके फेवर में आएंगे तो कोशिश कीजिए इस लेक्चर को जितना से ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक कर सकते हैं लाइक करें जितने बच्चों तक आप इसको शेयर कर सकते हैं शेयर करें और आपके जो वैल्यूबल फीडबैक्स हैं इन फीडबैक्स का मुझे बहुत इंपॉर्टेंट होगा बेटा कल से कल से ही रहेगी कल से ही देखो बेटा छह साल दस साल बारह साल से फर्क नहीं पड़ता अगर आपके अंदर इच्छा है अगर आपके अंदर एक काम करने का कुछ हौसला है तो आप कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ये सोचना ही बंद कर दीजिए ना सर हमारी कंडीशन खराब है सर हम लोग वर्किंग हैं सर हम पांच साल से नहीं पढ़े सर हम इतनी बार सिलेक्ट नहीं हुए सर हम... ये सब माया जाते फोकस ऑन उन... स्टडी के यार मुझे करना है इस बार करना है एनी हाउ करना है बस और लग जाइए बेहतर तरीके से करने में ठीक है तो आई होप आप मेरी बातों को समझ गए होंगे और कोशिश करें कि इस लेक्चर को लाइक करें शेयर करें एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन नहीं नहीं भाई बिल्कुल नहीं अरे रोहित बिल्कुल नहीं देंगे ना। है ना कोई मैं तो वैसे भी यार अपना काम करता हूं ज्यादा ध्यान में दे ही नहीं पाता हूँ आप लोगों पर हाँ ये मिनिमम एक आवर्स की रहेगी मिनिमम वन आवर की क्लास आपकी रहेगी और ये एक घंटे दस मिनट और बीस मिनट भी जा सकती है ठीक है चलिए तो इसको लाइक कर दें शेयर कर दें और आपके वैल्यूअल फीडबैक्स हमको जरूर प्रोवाइड करें थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन और जाने से पहले वही जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं या प्री को कंप्लीट कवर करना चाहते हैं हमारा प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी अभी ट्वेंटी थर्ड परसेंट ऑफ चल रहा है ये मेरा कोड है गौरव मेरा नाम है एल आई वी आप इसको अप्लाई करेंगे तो तेवीस परसेंट आपको ऑफ मिल जाएगा ठीक है चलिए मेरा टेलीग्राम चैनल है गौरव शर्मा एम पी पी एस सी मेरा नाम है और उसके आगे एम पी पी एस सी लगा दीजिए आप उसको ज्वाइन कर लीजिए वहां से आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं चलिए थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन डे